हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 7 बज गए हैं और बच्चों की तैयारी चलेगी अब इन्हें तैयार करने की। और साफ सफाई तो हो गई है, जो सुबह की झाड़ू होती है। प्रीति अभी मिट्टी का चूल्हा साफ कर रही है, थोड़े से बर्तन हैं। चाचा जी नाश्ता करके जो है खेत में चले गए हैं। अभी पिताजी ने जो है आरुषि को भी उठा दिया है और दोनों बहनों की झगड़ा हो रहा है। क्या कि पापा मेरे हैं और मेरे हैं, और वो तो सो जाती है ऐसे ही मुंह पे मुंह रख के। ये देखो जी, सारे के सारे बच्चे इस कमरे में इकट्ठे हो चुके हैं और ये व्लॉगिंग कर रही है। जैसे मैंने फोन पकड़ रखा है ना, इस तरीके से ही ये करने की कोशिश कर रही है। आरुषि ऐसे लेट रही ना आके, तो उसने सबसे पहले गर्दन पे गर्दन मतलब मुंह पे मुंह ही रख लिया अपने पापा के। देखो किसका है फोन, पापा का। आरुषि तेरे पापा आए, ये नंदनी के नहीं आए। हाँ सुई वाले पापा हैं नंदनी के, अरविंद पापा हैं, सुनील पापा आरुषि के हैं और आरुष के हैं। आरुष भी उठ गया है और कमरे की हालत देख सकते हैं, रात में कैसी करके छोड़ देते हैं हम सब। अब सुबह संगवाने का काम करेंगे और बच्चों की तैयारी करेंगे। और क्या खाओगे बच्चों ब्रेकफास्ट में? आरुषि वो अभी छोटी है, ठीक है। आरुषि उसे खिलाती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन वो समझती नहीं, अभी छोटी है। उसे ये पता कि मैं पापा की परी हूँ। किसका है फोन? अप्पा पापा। लोग खोलने की कोशिश कर रही है, ये देखो वो ही सर्च कर रही, देखो वो ही सर्च कर रही। यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है और इधर जो है ब्रेड सैंडविच। तो देखिए जी, उसमें इसने कई सारी चीजें डाल ली है और पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुका है गुड्डू के लिए। गुड्डू तैयार है, प्लेट लेके आया उधर से। खाना नहीं रखना, उधर रखना टाइम हो रहा मेरा खाना। अच्छा, और जी पहले जो है हेलो स्वीकार कर लो जी, करो हेलो। राम राम जी है नंदिनी की। अभी बजे हैं 10 और हम रेडी हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। और उसकी सेकंड विजिट है, लास्ट वीक हुई थी इसकी, तो कुछ ब्लड के सैंपल लिए थे डॉक्टर्स ने इनके, तो रिपोर्ट्स भी आ गई होगी। और इसे काफी आराम है तब से, और जो इसे प्रॉब्लम थी एक हफ्ते से नहीं है, और देखने से लग रहा है कि काफी आराम है। तो आज जाएंगे हम बाइक से, इसलिए जो है थोड़ा सा पहले चल दिए हैं। पहले भी नहीं, 10 बजे हैं, 11:30 तक हम पहुंच ही जाएंगे हॉस्पिटल, और 11 बजे तो डॉक्टर बैठते ही हैं। तो जी ये है आज का प्लान, और नंदनी पीछे कुछ संगवा रही है। हेलो जी, राम राम जी उसने कर दी है। आज आरुषि जो है वो स्कूल गई है और उसके बिना ही, और नंदनी जो है किसी चीज को लेके बहुत खुश है, लेकिन खुशी रहनी चाहिए। अब हम चलेंगे तो थोड़ा जिद करेगी, लेकिन निकलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि तो काम सारे ही जरूरी है। वो हंस रही, उसे हंसी आ रही किसी सिचुएशन में, और ये पता नहीं कि एग्जैक्टली है क्या। तो जी चलो फिलहाल देरी ना करते हुए चलते हैं, रेडी हो ही गए हैं। कागज और उसके बाइक के मास्क वगैरह तीनों के हमने ले लिए हैं। और ये देखो जी कहाँ से आगे जा रही है। और ये पीछे पीछे है, जब भी मैं कपड़े मम्मी का राम 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 जय माता दी, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। चलते हैं हम, लग लिए हैं यहाँ पे करनाल से मेरठ हाईवे पे। जैकेट मैंने पहनी नहीं है, भूल गया पहनना, ठंड सी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ। वैसे तो धूप का टाइम है अभी और मौसम भी गर्माहट वाला है, लेकिन हवा तो लगती है बाइक पे। और आरुष बैठते ही कह रहा है बीच में मुझे भींच दिया है, लेकिन बेटा भींचने वाली कोई बात नहीं है। अभी कह रहा है मेरा चश्मा भी ले लिया, हवा भी लग रही है, टोपी ओपी लगा रखी है इसकी कैप, और बीच में बैठा रखा है वैसे तो ढक मूंद के हवा ना लगे, लेकिन फिर भी कह रहा मेरी आँख में हवा लग गई, धूल चली गई। तो हम चलते चले जाएंगे यहाँ से, अभी लगने वाला है कम से कम 1.5 घंटा। ज़्यादा तेज नहीं चल सकते एक तो, क्योंकि मैं जैकेट नहीं पहन रहा हूँ, ठंड से भी बचना है। और वैसे भी मुझसे जो है ज़्यादा तेज चलाई नहीं जाती, 50 या 60 के ऊपर तो मैं इसे चलाता ही नहीं हूँ। तो जी ये है मेरठ से करनाल हाईवे, बाय वाला चौक पड़ा था पीछे, उससे आगे निकल लिया, गाँव बिटाव था पार कर लिया। ये बता रहा हूँ मैं अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन आपको। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रोड पे, ये रोड जो है 6 लेन होने जा रहा है, और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इस पे,
तो इसलिए टूट फूट भी ज़्यादा चल रही है इस रोड पे, तो बड़ा केयरफुली ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। मेरठ में एंटर कर चुके हैं, कंकर खेड़ा बाईपास से आगे निकल लिए हैं। अब हम अभी यहाँ से सिविल लाइन जाना है हमें, बेगम पुल के बगल में पड़ता है वो, तो देखेंगे कैंट से निकलने वाले हैं हम अभी। और बाइक पे चलने वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो रहता ही है ट्रैफिक में, थोड़ी सी लंबी दूरी, क्योंकि घर से यहाँ पे लगभग पड़ेगा 50-60 किलोमीटर के बीच में, और इतना तो बहुत होता है बाइक पे राइड करना। और जो भैया पहली वाली दवाइयां बची हुई है अभी सब चलेंगी दवाई, ये वाली पाउडर है 1.5 चम्मच, पहले वही खत्म करेंगे। मतलब जो दवाई थी वो क्रीमाफिन प्लस थी, क्रीमाफिन जो 10 ml रात में थी वो, हाँ हाँ, वो हर शनिवार को देनी है, ठीक है। पोर्टिग्रास से ऐसी लगानी है, ठीक है। बोतल खत्म होगी, ये ऐसी चलेगी जैसे आप दे रहे हो। ये सुबह या शाम 5 ml दिन में एक बार कभी भी, ठीक है। ये दूध में डाल के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ठीक है। सुबह शाम दोनों टाइम दूध में, ठीक है। एक महीना क्रीमाफिन प्लस हर सैटरडे, पूछ लो। अभी डॉक्टर साहब के पास आते ही नंबर आ गया था, रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल सी ही हैं सारी, बस दवाइयां हैं, दवाइयां लंबी देते ही हैं डॉक्टर्स। तो पहली बार तो एक हफ्ते की दवाइयां दी थी, और अब की बार जो है 1 महीने की दवाइयां दे दी कि नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल, लगातार दवाई देना, और डाइट प्लान भी समझा दिया है। तो और उसकी एक नाराज़गी है कि डॉक्टर साहब ने अब की बार मुझे गिफ्ट नहीं दिया। क्या क्या बताया डॉक्टर साहब ने, देखो ये बताया है कि मुझे वीडियो बना के भेज देना इसकी, अगर कोई आनाकानी करे तो। लेकिन हाँ, लेकिन इसने अगर इसने दाल नहीं खाई या पपीता नहीं खाया, प्रॉमिस करके आया है ये। हाँ, लेकिन इसने प्रॉमिस किया है कि ये सब चीज़ खाएगा। अभी 1:15 बज गया है और जल्दी काम हो गया है, अब चलेंगे वापस। थोड़ा देर इसे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, लगता है इसे भूख भी लग रही होगी। देखो अब की बार ना तुझे बीचने का नहीं, मैं पूरी जगह दे के चलूँगा, मोटरसाइकिल की टंकी पे बैठने की कोशिश करूँगा पूरी आराम से, हैं। और देख तू नाराज ना होए, क्या खाएगा फ्रूट्स में वो भी बता दे, वो भी खिलाएंगे। और उसका कहना है कि यहाँ मत आना, ठीक है भाई नहीं आएंगे। चलो चलो तो अब चलने की तैयारी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ रास्ते में, और आरुष भी कह रहा था मुझे बेच दिया, थोड़ा सा इसे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये मांग रहा है फ्रूटी, और अब की बार जो है फ्रूटी वाले दुकान पर रुक की जाएगी बाइक। तो चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो लिया है यो भी, और हम भी पैर से सीधे हो गए हमारे भी, अब चलते हैं घर की ओर। देखो कहते ही तो रहे हैं थोड़ी ही दूर है, लंबा तो पड़ेगा। और एक तरफ का जो सफर है हमारा ये पड़ा लगभग 50 किलोमीटर का, वापस आते हुए हम लगभग आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और बस थोड़ी सी देर और आधा घंटा तो घर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे से भी चलता हूं कुछ, मैं ज़्यादा तेज चलता नहीं हूं इसलिए। एक घर जाके पिएगा। ये ले ली इसने फ्रूटी तो मिली नहीं, माजा वाली है ये, और ये पिएगा जरूर, क्योंकि ये वहीं से टोकता हुआ आ रहा मेरठ से ही। तो रास्ते में कोई ऐसी दुकान मिली नहीं थी अपने घर के नजदीक ही। अच्छा दिखी थी, मैंने रोक के नहीं, बस तूने आवाज मुझे लगाई कब बताइयो। मम्मी ने लगाई क्या, तब ने रोकी नहीं। भाई यार मुझे सुनाई नहीं दी थी, दोबारा लगा देते आवाज। हेलमेट में आवाज भी तो जाती है, हेलमेट में आवाज नहीं गई आपको? अच्छा हेलमेट में कोई आवाज नहीं सुनी, तो सुन गया था आपको तो सुना। इसने बताया था रास्ते में भी है। अरे एक जगह पुलिस आ गया, जंगल आ गया, तुम कह रहा पापा आप तो गलत रास्ते पे ले आए हमें, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। भाई गलत रास्ते पे ले आया था मैं, पाइप तक काम नहीं चला, तो वैसे निकालने की कोशिश कर रहा। चल अच्छा फिनिश होगी, चले। हाँ, ये और कह रहा एक घर भी जाके लेनी मुझे, जो छोटे छोटे के लिए ली भाई यार, उसी और नंदिनी की भी। तो अभी यहीं पे घर जाके लेंग पीऊंगा, दे दो एक। ये यही पिएगा आज, और ये कह रहा घर जाके भी पीऊंगा, यहाँ पे भी एक और पीऊंगा। तो जी घर पहुँच चुके हैं ठीक ठाक, और बस फ्रूटी लेके आए हैं इन सब के लिए, एक एक पैकेट इनको दे दिया है, और यहाँ पर
बड़ी बोतल इन्होंने खोल रही है। यहाँ पर माँ ने जो है नाप तोल कर सबको बराबर बराबर से दे दिया है। माँ कह रही है और थोड़ी देर में पियो क्योंकि अभी इन्होंने खाया था खाना। रिदम बन रहा है, खिंच रहा सही साहब। हाँ फिर तो ठीक है। अभी जो है मुझे अधूरा काम पूरा करना है और ये थैला रह गया था एक, इसकी तनी लगानी रह गई थी जो पट्टियां हैं बांधने वाली। और फिर मैं सोच रही हूँ अभी जो है मेरे पास और कपड़ा तो है नहीं, नंदनी के पास सारी कैप जो है गर्म है। इस मौसम में अगर गर्म कैप पहनाते हैं ना तो उसमें जो है पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो मेरे पास ये इसमें से थैलों में से बचा हुआ कपड़ा है तो ये कॉटन का ही मिक्स है, ये काफी सॉफ्ट कपड़ा है। तो ऊपर की साइड मैं ये वाला लगाऊंगी और अंदर की साइड ये वाला, और इसकी मुझे दो कैप बनानी है जिससे कि इसे दिन भर में भी, जैसे इसके सिर पे बाल नहीं है तो इसके सर पे लगी रहनी चाहिए क्योंकि आज हवा भी काफी तेज चल रही है। तो सबसे पहले तो ये अधूरा काम पूरा करूंगी, ये पट्टियां लगाऊंगी इसकी। और फिर जो है माँ ने मुझे कई बार बोल दिया कि नंदनी की कैप बना, तो कपड़ा कोई और मिला नहीं मुझे, जो मेरे दूसरे सूट में से बचता उसमें से काफी अच्छी लगती, लेकिन कोई बात नहीं काम चलाने के लिए ये भी अच्छा ही है और इसमें से भी अच्छी लगेगी कैप। और बहुत ही आसान है कैप बनाना छोटे बच्चे के लिए घर पे। तो जी सबसे पहले तो मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, थैला भी तैयार हो चुका है, एक पहला कर दिया था और इसी कपड़े में सब बना दिया मैंने नंदनी का टोप्पा। देख कितना परफेक्ट टोप्पा बना है, बहुत है टोप्पे तेरे पे, तो बहुत है गर्मी तो है तेरे पे भी ऐसे थोड़ा है, रुक जा मम्मी मेरे भी ऐसे बना दो, तनी छोटी रहेगी कपड़े की कमी की वजह से, पर कोई बात नहीं बस मम्मी मेरे भी ऐसे ही मना दो के बनाऊंगी। हाँ देखो मम्मी मुझे बनाना सिखा दो। अच्छा इसे तो टेलर ही बनना है, इसे तो बनाना ही सीखना बेटा, सुई है इसमें लग जाएगी मम्मी फ्रॉक बनाएगी मेरा। और उसी को भी जिद लगी है कि मम्मी मेरे लिए कुछ बनाऊं, तो मैंने सोचा है जिस कपड़े को मैं दिखा रही थी ना, मेरे पास ये कपड़ा है और सिर्फ ये कपड़ा है, तो इससे मुझे जुगाड़बाजी करके इसके लिए फ्रॉक बनाना है, उसके लिए कैप बनाई है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और कैप भी चाहिए इसे, चलो कैप तो कल बनाएंगे लेकिन फ्रॉक तो अभी देखते हैं। बन गया तो देखो ऐसी ही कैप बनवानी है इसे सेम टू सेम।